लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सड़क पर दौड़ता दिख रहा ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये हौसला और जिंदा दिली दौड़ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इस व्यक्ति और इनके कारनामों के बारे में बताएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल इस बुजुर्ग शख्स का नाम जसमेर सिंह संधु है और इनकी उम्र 62 वर्ष है। इन्होंने हाल ही में अपने 62वें जन्मदिन पर 62.4 किलोमीटर दौड़कर सबको हैरान कर दिया। जसमेर सिंह संधु ने जो करके दिखाया वो अच्छे अच्छे युवा धावक भी नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले जसमेर सिंह संधु ने 25 अगस्त को अपना 62वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। हो सकता है कि आपने ये नाम पहले ना सुना हो, लेकिन उनका जन्मदिन बहुतों को कुछ करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जसमेर सिंह ने तय किया है कि वो अपने हर बर्थडे पर उतने किलोमीटर दौड़ेंगे जितने साल के वो हो जाएंगे। मतलब इस बार जब वो उम्र के 62वें साल में दाखिल हुए तो उन्होंने 62.4 किलोमीटर दौड़कर अपनी ही उम्र के आंकड़े को छोटा कर दिया। स्टार्ट किया था और फिर अब क्या लिया, ये मन में एक डिसाइड किया है कि हर साल जो मेरा बर्थडे आएगा उस पे मैं जितने साल का भी होऊंगा उतने ही किलोमीटर में उस साल उस दिन सुबह दौड़ूंगा, तो ये मेरा टारगेट है। मैंने आज अपनी जिंदगी के 62 वर्ष पूरे किए हैं और इसी मौके पर 62.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। मैं अब भी अपनी उम्र से आगे हूँ। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और लोग उनके जज्बे की खूब तारीफ कर रहे हैं। जसमेर सिंह ने अपनी इस दौड़ की शुरुआत रात 12 बजे पानीपत सेक्टर 6 से की और करनाल से वापस पानीपत तक का 62.4 किलोमीटर का रास्ता करीब 7 घंटे 32 मिनट में पूरा किया। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें दौड़ने का आइडिया 2010 में आया। दरअसल वो उस साल बीमार हुए थे। डॉक्टर ने सलाह दी कि दौड़ा करो ताकि दिल स्वस्थ रहे। इसके बाद वो रुके नहीं। बता दें संधू कई मैराथन दौड़ चुके हैं।